अलिफ लाम मीम। ये किताब यानी कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि अल्लाह का कलाम है, परहेजगारों के लिए रहनुमा है जो गैब पर ईमान लाते और आदाब के साथ नमाज पढ़ते और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं। और जो किताब ऐ पैगंबर तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुई, सब पर ईमान लाते और आखिरत का यकीन रखते हैं। यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से आई हुई हिदायत पर हैं। अलिफ लाम मीम हुरूफ़े मुक़त्तआत हैं जिनके बारे में मैं अर्ज कर चुका हूं। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, यह वो किताब है इसमें कोई शक नहीं। अल किताब इसलिए कहा गया है कि कुरान मजीद की पेशेंगोइयां और खुशखबरियां साबिका किताबों में मौजूद थी, और चूंकि इस सूरह मुबारक में असल खिताब का रुख जो है वो है साबिका उम्मत मुस्लिमा की तरफ, तो ज़ालिका किताबुन नहीं कहा गया, ज़ालिका किताबुन ला रैब फ़ीह नहीं, ज़ालिकल किताब ये वो किताब है, किताब मौजूद है जिसकी पेशेंगोइयां तौरात और इंजील में मौजूद थी। ला रैब फ़ीह इसमें कोई शक नहीं। हर्फ़े उरा रैब नए, तब्दील नए, यही अल्फाज आए हैं सूरह सजदा के शुरू में भी, अलिफ लाम मीम तंजीलुल किताब ला रैब फ़ीह रब्बिल आलमीन, ला रैब फ़ीह मिन रब्बिल आलमीन, फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। फ़ीह दोनों तरफ मिल सकता है, ला रैब फ़ीह इसे मुआनका कहते हैं, ला रैब फ़ीह पढ़ेंगे तो हुदन से शुरू कर देंगे, ला रैब पर खत्म कर देंगे तो फ़ीह हुदन लिल मुत्तकीन, ये दोनों मानी दुरुस्त होंगे। आपको मिल जाएगा जो कुरान शरीफ लेकर बैठे हुए हैं कि हाशिए में मुआनका नंबर एक लिखा हुआ है, मुआनका इंदल मुताखरीन। हुदल लिल मुत्तकीन ये हिदायत है, रहनुमाई है अहले तकवा में जो बचना चाहे। तकवा का असल मफहूम समझिए, बका यकी किसी को बचाना, तकवा खुद बचना। जिन लोगों के अंदर फितरत सलीमा होती है उनमें अखलाकी हिस मौजूद होती है, वो बुरी चीज से बचना चाहते हैं, भली को हासिल करना चाहते हैं, वो लोग हैं कि जो गोया कि इस कुरान का असल मुखातब है, वही इससे इस्तिफादा कर सकेंगे। अल्लज़ीन यूमिनूना बिलगैब, अब उनके कुछ औसाफ, ये असल में बहुत ज्यादा वाज़ह होता है तावील खास के एतबार से कि देख लो दरख्त को अपने फल से पहचानते हैं, इस कुरान के फल मौजूद है ना, ये अबू बकर और उमर और उस्मान और अली कौन है, ये जो मुहाजिरीन आए हैं चलकर मदीने वालों देखो ये कौन है, इनकी शख्सियतें क्या है, इनका किरदार क्या है, इनके औसाफ क्या है, ये किस दरख्त के फल है, ये उस बैना के फल है, ये उस जिक्रा के फल है, बैना रसूल मिन अल्लाह यतलू सुहुफ़ मुतहरतन फीहा कुतुबुन क़य्यिमा, ये उस शजरा मुबारक के फल है, देख लो उनके क्या शबो रोज है, अल्लज़ीन युमिनूना बिलगैब, जो गैब पर ईमान रखते हैं। एक इंग्लिस्तान के बहुत बड़े फलसफी की किताब का उनवान है अपीयरेंस एंड रियलिटी, रियलिटी एंड अपीयरेंस, ब्रैडली की किताब, अपीयरेंस जो कुछ नजर आ रहा है ये हकीकत नहीं, हकीकत इसके पीछे है। और कन्फ्यूशस का एक जुमला है जो बहुत बड़ा हकीम और फलसफी था चीन का, बहुत बड़ा हकीम और फलसफी, और हो सकता है कि नबी हो, वल्लाहु आलम, हम कह नहीं सकते, उसकी तालीम बड़ी अखलाकी तालीम है। और उसका जुमला सुनिए, ये युमिनूना बिलगैब की इससे ज्यादा सही तशरीह मुमकिन नहीं है। देयर आर सर्टन थिंग्स, देयर इज नो रियल, देयर इज नथिंग मोर रियल देन व्हाट कैन नॉट बी सीन, एंड देयर इज नथिंग मोर सर्टन देन व्हाट कैन नॉट बी हर्ड, वो हकायक जो आंखों से नहीं देखे जा सकते और कानों से नहीं सुने जा सकते, उनसे ज्यादा यकीनी और वाकई हकाइक और कोई नहीं। देयर इज नथिंग मोर रियल देन व्हाट कैन नॉट बी सीन, देयर इज नथिंग मोर सर्टन देन व्हाट कैन नॉट बी हर्ड, अल्लज़ीन युमिनूना बिल्गैब व युकीमूना अस्सलाह, नमाज कायम करते हैं, वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, खैर में, भलाई में, नेकी में, अब नाए नौ की हाजात को रफा करने में,
लोगों की तकलीफें दूर करने में, खुद अल्लाह के लिए, अल्लाह की रजाजुई के लिए अल्लाह को कर्ज हसना देते हुए। और वो के जो ईमान रखते हैं उस पर भी जो आप पर नाजिल किया गया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस पर भी कि जो आपसे पहले नाजिल किया गया। ये बहुत अहम अल्फाज है, इसलिए कि आम तौर पर आजकल हमारे यहां ये ख्याल फैला हुआ है कि ये तौरात और इंजील के पढ़ने का कोई फायदा नहीं, कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं कि हद तक तो शायद बात सही हो, लेकिन कोई फायदा नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये इब्तिदा है कुरान की, और किस कदर एहतमाम के साथ कहा जा रहा है। ईमान सिर्फ कुरान पर नहीं, उस पर भी कि जो उससे पहले नाजिल किया गया। और सूरह निसा की आयत, और सूरह निसा नाजिल हुई कहीं जाकर सन 6 हिजरी में, तो इससे ईमान जो है तौरात पर और इंजील पर और ज़बूर पर और सोहफ़ इब्राहिम पर, इजमाली ईमान की जो अहमियत है उसको अच्छी तरह समझ लीजिए। अलबत्ता यह है कि चूंकि हम समझते हैं और जानते हैं कि इन किताबों में तहरीफ हो गई है, लिहाजा इन किताबों की कोई शय कुरान पर हुज्जत नहीं होगी। जो चीज कुरान से टकराएगी हम उसको रद्द कर देंगे, इन किताबों की किसी शय को दलील के तौर पर नहीं लाएंगे। लेकिन जहां कुरान मजीद की किसी बात की नफी न हो रही हो, तो बहुत से हकायक हमें उन किताबों ही से मिलते हैं। अंबिया के माबैन जो जमीन जमानी तरतीब है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है, वो तो हमें तौरात से मिलता है, कुरान में तो नहीं। कुरान में कभी हजरत नूह का जिक्र बाद में है, हजरत मूसा का पहले, वहां तो किसी और पहलू से तरतीब आती है। लेकिन वहां हमें तारीख मिलती है इब्राहिम की, इसहाक की, याकूब की, और मियाए बनी इसराइल की, मूसा की, ईसा की, ये सारी चीजें। तो इसकी अहमियत जो है उसको समझ लीजिए। والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون, आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। नोट करने वाली बात क्या है कि बाकी सब चीजों के लिए लफ्ज ईमान आया, आखिरत के लिए ईकान। क्यों? वाकई यह है कि इंसान के अमल के एतबार से सबसे ज्यादा मुअस्सिर शय ईमान बिल आखिरा है। ईमान बिल आखिरा है तो अमल सीधा रहेगा कि हां मुझे जवाबदेही करनी है, जाना है, उठना है, अल्लाह के हुजूर हाजिरी है। अगर ये यकीन है तो अमल सही होगा। इसमें कमी हो गई तो तौहीद जो है वो भी बस एक अकीदा, एक डॉगमा बन के रह जाएगी। ईमान बिल रिसालत भी बिदआत को जन्म देगा। ईद मिलाद नबी बना लीजिए, और कुछ इश्किया आशार कह दीजिए, नातिया आशार कह दीजिए, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ये ईमान बिल रिसालत के मंजर होंगे। अमल इंसान का दुरुस्त होता है आखिरत के यकीन के साथ। बिल आखिरत हुम यूकिनून, आखिरत पर उन्हीं का यकीन है, उन्हीं का यकीन है। यह हसर भी है इस एतबार से कि यहूदी में मुद्दा ही थे कि हम आखिरत पर यकीन रखते हैं। यह कंट्रास्ट दिखाया जा रहा है, आखिरत पर यकीन रखने वाले ये लोग हैं, और तावील खास के एतबार से वो लोग मौजूद हैं तुम्हारी निगाहों के सामने। 13 बरस की मेहनत की कमाई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इस किताब की, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा, उसका जो नतीजा है वो तुम्हारे सामने। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं।